बैक टू माई चैनल। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट साड़ीज़। बहुत दिन मतलब बहुत टाइम के बाद साड़ी का हॉल वीडियो आया है चैनल पर, और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सारा प्यार दो, लाइक कर दो इस वीडियो को जल्दी जल्दी से, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए। और आज का जो थीम है ना, इट इज़ गोइंग टू बी कॉकटेल एंड पार्टी वेयर स्पेशल साड़ीज़। जैसे कि मैंने जो पहनी हुई है साड़ी, ये भी आज इसी वीडियो में ही इंक्लूड होगी। सो दिस इज़ अ कॉकटेल साड़ी, मतलब आप कॉकटेल पार्टीज़ में इसे पहन सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल है और लिटरली आपको पसंद आएगी। क्लासी जो है ना कलेक्शन लेकर आई हूँ मैं आपके लिए आज। सो डेफिनेटली आप पूरा वीडियो अच्छे से देखना, सब साड़ीज़ काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रही है इस वीडियो से। सो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है मैंने बुलबुल ऐप की, वहाँ से। बट नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट साड़ी जो मैंने पहनी हुई है। सच अ ब्यूटिफुल कलर, सच अ ब्यूटिफुल वर्क। पूरी साड़ी जो है ना आपको नेट फैब्रिक में मिलेगी, एंड ट्रस्ट मी द फैब्रिक इज़ रियली नाइस। बहुत ही सॉफ्ट नेट है, जो मोनो नेट कहते हैं ना वैसा वाला नेट है। और पूरे साड़ी में आपको इस तरह से पिंक कलर की बॉर्डर मिल जाएगी। इसका मतलब फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इस तरह से बॉर्डर अटैच्ड है पूरे साड़ी पर। इस तरह से फ्लोरल धागे का काम है, एम्ब्रॉयडरी है, आप देख रहे हो। सो आई एम गिविंग यू द क्लोज लुक, ट्रायल में भी आप देख ही सकते हो। सो इस तरह से है, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन दिया है लाइट पिंक और डार्क पिंक का। सो इट इज़ लुकिंग सो नाइस। और आपको फ्लावर्स पर ना इस तरह से जो एम्ब्रॉयडरी की गई है, धागे का काम है, उस पर आपको इस तरह से ना बीड्स भी लगाए हुए मिल जाएंगे इस तरह से, जो कि होता है ना डायमंड जैसे दिखते हैं वैसे। सो पूरे साड़ी में इस तरह से वर्क है। सो आप समझ रहे हो कि आप जब पहनोगे तो इसका लुक कितना ज़्यादा ग्रेसफुल आने वाला है। मेरे पास एक्चुअली पिंक कलर का यही एक ब्लाउज़ है, तो इसलिए मैंने इसी के साथ इसको टीम कर लिया, ताकि आपको एक यू नो लुक अच्छा लगे इसका। इसके साथ जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। इसका फैब्रिक मुझे सिल्क फैब्रिक लग रहा है, एक शाइन है फैब्रिक में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्वालिटी में। सो डेफिनेटली मतलब आप ये साड़ी पिक कर सकते हो। इसका प्राइस कुछ अराउंड 800 ही है अभी। सो आप जल्दी से ले लेना, क्योंकि इस तरह के साड़ीज, इस तरह के स्टाइल और फैब्रिक देखने नहीं मिलते हैं इतने कम प्राइस में। सो डेफिनेटली आप इसे पिक कर लेना, आप ट्रायल भी देख रहे हो। ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट साड़ी है, तो मेक श्योर कि आप इसके नीचे एग्जैक्टली जो शेड दिया हुआ है पिंक, उसी शेड का आप जो है ना पेटीकोट अपने लिए बाय करें, और ब्लाउज़ इसी का स्टिच करें, या फिर कोई और अगर आप चाहते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने ब्रॉकेट ब्लाउज इसके साथ पहना, तो वैसे भी आप कुछ मैच कर सकते हो। बट इट इज़ अ ब्यूटिफुल साड़ी, डेफिनेटली गो फॉर इट। सो सेकेंड जो साड़ी है, दिस इज़ अगेन अ ब्यूटिफुल वन। जो मैंने आपको पिंक में दिखाई है, उसी में आपको ये रेड मिल जाती है, बट इसका जो वर्क है डिफरेंट है, इसका कॉम्बिनेशन अलग है। बट इट इज़ अगेन अ नेट साड़ी, बहुत ही सॉफ्ट नेट है। आप देख रहे हो मैं इसे कितना फोल्ड कर रही हूँ, दिस इज़ सो सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये नेट आप समझ लो कितने अच्छे क्वालिटी का है। और रेड नेट पर वाइट थ्रेड वर्क है। सो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल साड़ी है। इसे आप रेड ब्लाउज़ के साथ टीम कर लो, इसके साथ ब्लाउज पीस भी अवेलेबल है रेड कलर का, और या फिर आप वाइट ब्लाउज़ के साथ भी कर सकते हो, इट विल लुक नाइस। यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये साड़ी है। इस पर जो वाइट थ्रेड वर्क दिया हुआ है ना, इट इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। सो यू विल बी इम्प्रेस्ड वंस यू बाय इट। आप बिना किसी सेकेंड थॉट के इसे ज़रूर बाय कर लेना आज के वीडियो से, बिकॉज ये वर्थ है लेने के लिए। सो यू कैन सी इट इज़ अ नाइस नेट साड़ी, और ये नीचे की तरफ आएगा, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये नीचे की तरफ आपको प्लीट्स में मिलेगा। सो इस तरह से है, ठीक है। सो इसके साथ जो ब्लाउज़ का फैब्रिक अटैच्ड है, सॉरी ये गिर गया। सो ये इस तरह का ब्लाउज़ का फैब्रिक आपको मिलेगा इसमें, अगेन इट इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। और अगर आपके पास बना बनाया रेड ब्लाउज़ होगा तो भी आप उसे वेयर कर सकते हो। पता है मैं ब्लाउज़ स्टिच करवाने के मतलब इसमें नहीं होती हूँ हमेशा, मैं चाहती हूँ कि रेडी ब्लाउज़ में अपने लिए मंगवाऊँ, जो कि ईजिली अवेलेबल होता है ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, तो आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यही स्टिच करवाना तो यही भी कर सकते हो, बिकॉज़ ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, सिल्क फैब्रिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है, आप देख रहे हो रेड, प्रॉपर रेड कलर है, और
80 मीटर का आपको ये ब्लाउज पीस मिल जाएगा फैब्रिक। सो आई हाईली रिकमेंड यू दिस साड़ी बिकॉज अगर आपको इस तरह की साड़ीज पहने, दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर कॉकटेल पार्टीज, डेफिनेटली बाय कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नेक्स्ट इज़ दिस ब्यूटिफुल साड़ी, सो दिस इज़ इन पैरट ग्रीन एंड पिंक कॉम्बिनेशन, वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्बिनेशंस, मुझे ये बहुत पसंद है और मेरे पास इस कॉम्बिनेशन में आई गेस 3-4 साड़ीज़ हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको भी पसंद आ रहा है तो आप जल्दी से इस वीडियो से ग्रैब कर ले, अदरवाइज आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। हाईली रिकमेंडेड, ये बहुत ही ब्यूटिफुल सी बनारसी साड़ी है और ऐसा नहीं कि बहुत मतलब पहने में प्रॉब्लम होगी, इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। सो आई विल ओपन इट फॉर यू, बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसका। और इसके साथ जो ब्लाउज़ का फैब्रिक आता है, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ, इस तरह का ब्लाउज़ का फैब्रिक आपको मिल जाएगा साड़ी के साथ। सो आप देख रहे हो इस तरह का ब्रोकेड फैब्रिक है, पिंक कलर का है और यहाँ पर बॉर्डर भी दी हुई है इस तरह से, ठीक है। सो आप इस तरह से ना आप स्लीवलेस स्टिच करवा लो या फिर अगर आप चाहो तो कॉम्बिनेशन में स्टिच करवा सकते हो। साड़ी के पल्ले से ही स्टार्ट करते हैं, सो इस तरह से इसका पल्लू है और लुक एट द कॉम्बिनेशन, इट इज़ लुकिंग सो नाइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साड़ी है, यू कैन सी आई जस्ट लव्ड इट। और ये कुछ प्रिंट नहीं है, ये सब वोवन डिज़ाइन है, फ्लोरल आपको वोवन डिज़ाइन मिल जाएगा ऑल ओवर और ब्रोकेड यहाँ पर इस तरह से ना बॉर्डर दिया हुआ है, विच इज़ अगेन वोवन, कुछ अटैच नहीं किया हुआ है कहीं पर भी, पूरी साड़ी आपको वोवन मिल रही है। सो कॉम्बिनेशन इज़ रियली नाइस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो अगर आप चाहते हो ये साड़ी लेना तो आज इस वीडियो से आप ये साड़ी तो डेफिनेटली पिक कर लो और जो भी पसंद आ रहा है आपको साड़ी इसको अपने लिए आप ग्रैब कर लो, बिकॉज़ पार्टी वेयर के लिए मतलब पार्टीज़ के लिए या फिर किसी फंक्शन के लिए ये अप्रोप्रिएट है, शादी में पहनने के लिए भी ये बहुत ही अच्छी साड़ी है, गो फॉर इट। सो नेक्स्ट साड़ी इज़ अगेन अ नेट साड़ी, सॉफ्ट नेट है और आई रियली लव द कॉम्बिनेशन, कॉकटेल पार्टीज़ के लिए दिस इज़ अप्रोप्रिएट साड़ी, डेफिनेटली आप पिक कर लेना। और इतना सटल शेड है, लाइट ग्रीन कलर है, बहुत ही लाइट ग्रीन है, मतलब आपको इसके नीचे ना सेम इसी कलर का जो है ना पेटीकोट वेयर करना होगा, अदरवाइज मतलब कलर निकल के नहीं आएगा इसका। मेरे पास इस कलर का पेटीकोट नहीं है, मैंने पता नहीं क्या टीम किया होगा, बट एनी विच वेज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू शो हाउ इट इज़। और डेफिनेटली आप ये साड़ी तो पिक कर लेना आज, और लुक एट इट, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, ओ माई गॉड, पूरे साड़ी पर इस तरह से ना वाइट थ्रेड से काम किया गया है, लाइट ग्रीन शेड है उस पर वाइट थ्रेड का काम है और इतनी अच्छी क्वालिटी है, नेट इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मैं क्या बताऊँ, लिटरली आई डोंट नो आई एम डूइंग जस्टिस टू दिस साड़ी और नॉट बाई वेयरिंग इट, पता नहीं मैंने किस तरह से इसे पहना होगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बिकॉज मेरे पास उसका कलर का पेटीकोट नहीं है। आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, जब आप ये साड़ी रेडी करोगे ना तो अपने आप ही सब चीज़ें ठीक ठाक दिखने लगती है, बट ट्रायल में मतलब हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो देख लीजिए जैसे भी है, बट I will highly recommend you this one, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पर भी इस तरह से बॉर्डर से थ्रेड वर्क किया गया, आप देख रहे हो ये पूरा थ्रेड वर्क, कहीं पर भी कुछ भी अटैच्ड नहीं है। आई लिटरली विल यू नो रेकमेंड यू दिस साड़ी। ब्लाउज़ का कलर देख रहे हो आप किस तरह से है, तो इसी कलर में आपको अब पेटीकोट भी लेना है। सो लुक एट इट, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, ये आप देख सकते हो, आपकी साड़ी का शेड एक्चुअल शेड इस तरह का होगा, यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, और डेफिनेटली आप ये वाला पिक कर सकते हो। ब्लाउज़ का फैब्रिक भी बहुत अच्छे क्वालिटी में है और एक शाइन दी हुई है, आप देख रहे हो, सो क्वालिटी इज़ नाइस। आप इसे अगर स्लीवलेस स्टिच करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक आएगा, सो डेफिनेटली आप ये वाला तो पिक कर लेना अपने लिए, बिकॉज ये कलर जो है ना ये काफ़ी ट्रेंड में है और काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है पहनने के बाद, सो गो फॉर इट। बुलबुल पर आपको 5 days की ईजी रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी मिल जाती है, COD भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि आपके डोर स्टेप पर चीज़ें आए उसके बाद आप बाय करो तो वो भी आप कर सकते हो, 5-star पॉलिसी मिलेगी आपको बुलबुल पर, सो डेफिनेटली आप बाय कर लेना आज। सो यस, सो ये है नेक्स्ट साड़ी, सो दिस इज़ अगेन अ ब्यूटिफुल साड़ी, इसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, सो डेफिनेटली आप इसे पिक कर लेना, क्वालिटी इज़ अमेजिंग और इसमें आपको ना डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं साड़ी में,
सो इस साड़ी को ना पट्टू साड़ी कहते हैं एंड इट इज़ सच अ सॉफ्ट साड़ी। आप देख रहे हो पूरे साड़ी में एक शाइन है और फैब्रिक इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। लिटरली मैं बता रही हूँ कि आपको अगर आज साड़ीज़ पिक करने हैं ना, तो बोल रही हूँ आपको सारी ही साड़ीज़ पिक करनी चाहिए, बिकॉज डिफरेंट है और ब्यूटीफुल है। आपके वार्डरोब में यार होनी चाहिए हर तरह की साड़ीज। तो यस, तो लुक एट द पल्लू, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। इस तरह से है, कॉम्बिनेशन इज़ रियली नाइस, इट इज़ इन पिंक ब्लू कॉम्बिनेशन और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे टैसल्स है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से येलो पिंक टैसल्स है। सो ये जो है ना, ये कलर कॉम्बिनेशन, इसमें ना येलो शेड भी आपको लग रहा होगा। सो दिस इज़ नाइस कॉम्बिनेशन। ओवरऑल साड़ी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ब्लू पर्पल सारी शेड्स आपको मिल रहे हैं इसमें। सो बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, डेफिनेटली आप ये साड़ी ज़रूर पिक कर लेना अपने लिए, बिकॉज इस तरह के ना साड़ीज़ इतने कम प्राइस में नहीं मिलते हैं। और इसके साथ जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है ये कुछ इस तरह से है, आप देख रहे हो। सो पिंक कलर का ब्लाउज़ मिल रहा है आपको इसके साथ, विच इज़ रियली नाइस, और कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सिंपल सी साड़ी है, कॉकटेल के लिए और पार्टीज़ के लिए, शादी के लिए भी जो है ना चल जाएगी इस तरह की साड़ीज़, सारे ओकेजन के लिए अप्रोप्रिएट है। सो डेफिनेटली गो फॉर इट, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साड़ीज़ की जब बात आती है तो ब्लैक साड़ी को हम कैसे छोड़ सकते हैं। सो मैंने इस वीडियो में एक ब्लैक साड़ी भी रखी है। ब्लैक साड़ी तो यार अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शेड मिस कर रहे हो इन साड़ीज़। सो आप डेफिनेटली आज ये वाली साड़ी पिक कर लेना, इट इज़ सच अ क्लास पीस। ऑफिस में भी साड़ी पहनना चाहते हो तो आप ये वाली साड़ी पहन सकते हो। अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ आपको बहुत ही यू नो प्रोफेशनल लगना है साड़ीज़ में भी, आप कोई और शेड नहीं पहन सकते, बहुत ही आपको सटल शेड्स पहनने होते हैं। सो ब्लैक इज़ एन अप्रोप्रिएट कलर टू गो फॉर। मुझे ब्लैक तो ऑब्वियसली चाहिए, बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट, और मुझे ब्लैक एंड वाइट इसमें ही जो है ना मतलब जाना होता है कोर्ट। सो कभी कभार कुछ ओकेजन्स ऐसे भी आ जाते हैं कि आपको बहुत ही प्रोफेशनल लगना है बट आपको साड़ी वेयर करनी है, सो आप ये वाला बाय कर सकते हो डेफिनेटली। सो यस, सो ये साड़ी तो मैं बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर माई सेल्फ, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी। सो लुक एट इट, इट इज़ अ कॉटन साड़ी और ये ओवरऑल वोवन साड़ी है। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस वन। सो आप देख रहे हो कि इसमें ना कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, ग्रे ब्लैक, सो यू कैन सी ये ओवरऑल वोवन डिज़ाइन है। और यहाँ पे इस तरह से ना टैसल्स भी दिए हुए हैं नीचे, ठीक है। आप देख रहे हो कि पूरे साड़ी में ना इस तरह से वोवन डिज़ाइन है, कलश का डिज़ाइन बना हुआ है इस तरह से। सो वोवन है ये, बिल्कुल भी प्रिंट नहीं है कहीं पर भी, और लिटरली आई एम सो अमेज्ड, ये साड़ी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल आई है। मैंने इसे आज ही खोली है रिव्यू के लिए और आई एम रियली सो हैप्पी विद द साड़ी। अगर आपको लेना है कोई ब्लैक साड़ी अपने लिए तो आप ये वाली साड़ी आज डेफिनेटली पिक कर लेना। एंड इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है ब्लाउज़ के फैब्रिक का, इट इज़ इन ग्रे कलर। आई एम सो हैप्पी विद द ब्लाउज़, मतलब मुझे नहीं पता था कि ग्रे कलर का होगा, मुझे लगा ब्लैक कलर में ही होगा, बट लुक एट द कॉम्बिनेशन यार, मतलब बहुत दिमाग लगाया है जितने भी साड़ी बनाई है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है यार ये। यहाँ पर भी कलश का आपको ना वोवन डिज़ाइन मिल जाएगा और यहाँ पे बॉर्डर भी है। सो लुक एट द कॉम्बिनेशन, ब्लाउज़ के साथ ब्लैक साड़ी, ग्रे ब्लाउज़ के साथ ब्लैक साड़ी बहुत ही क्लास लगेगी। सो डेफिनेटली गो फॉर इट, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं मतलब आपके लिए अच्छे से हॉल वीडियो लेकर आऊँ, साड़ीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करूँ और जो है ना आपके लिए डिफरेंट शेड्स भी पिक करूँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट द नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू इट और लाइक कर देना वीडियो को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप शेयर करोगे तो वो भी देखेंगे, उन्हें भी ये ऑप्शंस देखने मिलेंगे और वो अपने लिए बाय कर सकेंगे। सो प्लीज़ डू इट। और यस, सो न्यू ईयर आ रहा है, सो डेफिनेटली आप अच्छे से मनाइए और इन्जॉय, लेकिन सेफली। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।